हाय फ्रेंड, वेलकम टू द पोस्टल एग्जाम इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ गया है, तो उसके कौन सी न्यूज़ हम देख सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की शुक्रवार को ही बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय कर्मचारियों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। आइए, इसके सरकार ने 4% महंगाई भत्ता डीआरएस अलाउंस को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर 21% कर दिया गया है। इसका फायदा सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और पेंशन धारकों को मिलेगा। और आगे देखते हैं इसमें कि कई महीनों से डीए बढ़ने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए कल का दिन शुभ रहा और मोदी कैबिनेट ने डीए बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। इस बार 4% डीए बढ़ाया गया है। इस डीए के बढ़ने से कर्मचारी और रिटायर कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा और कई फैसले इसके साथ बढ़ा हुआ वेतन कब मिलेगा, यह बढ़ा हुआ डीए जनवरी 2020 से लागू किया जाएगा, लेकिन लागू होने वाले माह में इसका पूरा फायदा दिया जाएगा। बाकी के रूप में एरियर मिलेगा हमें जनवरी और फरवरी के का महीने का एरियर मिलेगा। तो यह कल जो एक दुखद खबर आई थी कि GDS टू MTS का एग्ज़ाम रद्द हुआ, उसके बाद एक सुखद खबर यह है कि हमारा जो महंगाई दर है वो 4% मोदी सरकार ने बढ़ा दी है। तो इसी के साथ हमारे चैनल में और कई खबरों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप अपनी GDS टू MTS की पढ़ाई जारी रखिए। और GDS टू MTS का एग्ज़ाम हमें सूत्रों से पता चला है कि 30 अप्रैल के बाद कभी भी घोषित हो सकता है। तो ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहिए और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये बढ़ा हुआ डीए इस बार मार्च की जो सैलरी में जुड़ के आने की संभावना है और बाकी का महीनों का एरियर हमें मिल जाएगा, ऐसी आशा है। और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।